भारत में इस बार बीते सालों के मुकाबले गर्मी की तपिश तेज है। तपते सूरज और गर्म होती धरती ने इंसान के दिमाग को सुन कर दिया। जलती चुपती गर्मी से बचने के लिए हम सब अपने घर और दफ्तर में एयर कंडीशनर लगवाते हैं। कार में बाहर जाते हैं तो सबसे पहला काम एसी को ऑन करना ही होता है, जिसकी ठंडी हवा से सुकून मिलता है। शहर हो या गांव देहात, इस भीषण गर्मी में आज के समय में एसी हर जगह मिलेगा। इसी वजह से देश में एसी की बिक्री में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक अभी भारत में हर 100 घरों में से सिर्फ 8 घरों में ही एसी है, लेकिन ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस साल करीब 1,40,00,000 एसी बिक चुके हैं। इसका मतलब है कि बढ़ती गर्मी के साथ साथ एसी की डिमांड भी बढ़ी है, जिससे ठंडी हवा खाकर लोगों को तो सुकून मिल रहा है, लेकिन हम सबके घरों दफ्तरों में लगा एसी अंदर तो ठंडा कर रहा है लेकिन धरती को गर्म कर रहा है। दरअसल एयर कंडीशनर जब चलता है तो उसमें से जहरीली गैस निकलती है जो पर्यावरण के लिए घातक होती है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFCs कूलेंट में इस्तेमाल होने वाली रासायनिक गैस है। एसी से निकलने वाली गैस से ओजोन परत को नुकसान होता है। बढ़ती गर्मी के बीच एयर कंडीशनर अब जरूरत की चीज बन गया है, लेकिन दिन रात चलने वाले एसी के कई साइड इफेक्ट्स हैं। एसी की ज्यादा इस्तेमाल से बिजली की डिमांड बढ़ी है। लगातार एसी चलने से ट्रांसफॉर्मर्स पर भी लोड बढ़ा है। बिजली उत्पादन में कुछ देशों में आज भी कोयले का इस्तेमाल होता है, जिससे प्रदूषण भी बढ़ता है। पिछले 25 वर्षों में वैश्विक तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, जिसका एक कारण एसी भी है। एसी की संख्या बढ़ने और इनके 24 घंटे चलने से ऊर्जा की मांग में भी इजाफा हुआ है। आज इमारतों में उपयोग की जाने वाली बिजली का लगभग 20% एयर कंडीशनिंग के कारण होता है। दुनिया भर में ये बिजली की खपत का 10% है। एसी से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन भी बढ़ा है। इस समय ये दुनिया के कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 7% है। इंसान ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्रकृति और स्वास्थ्य को दांव पर लगाकर कई आविष्कार किए हैं, जिनमें से एक एयर कंडीशनर है, जो बगैर शोर शराबे के आपके घर को तो ठंडा कर रहा है लेकिन पर्यावरण का गला घोट रहा है। एसी के बिना इस समय जीवन यापन करना सोचा नहीं जा सकता, लेकिन इसके अपने नकारात्मक प्रभाव भी है। पहले तो एसी से उत्सर्जित होने वाली CFC बहुत ही हानिकारक है। इन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है और इनके उत्सर्जन से जलवायु परिवर्तन में वृद्धि होती है और साथ ही साथ वैश्विक तापमान बढ़ता है। साथ ही साथ इतनी अधिक गर्मी में एसी फटने की घटनाएं भी हो रही हैं, जिससे कई जगह कई बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में भी आगजनी की घटना हुई है। तीसरा, एसी अंदर तो ठंडा करता है लेकिन बाहर जो है उसे गर्मी को छोड़ता है, जिससे वैश्विक तापमान फिर से उसमें वृद्धि होती है। और चौथा, इससे प्रदूषक भी निकलते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। Z News.